विगत 28 दिसंबर को ठाकुरगंज थाना इलाके में डॉक्टर सैयद गौहर अब्बास और सफदर रिजवी के घर में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम राहुल दाज ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन छात्र चोरों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से थाना ठाकुरगंज की दो और मड़ियाव थाने की तीन, कुल मिलाकर पांच घरों में की गई चोरी के सोने और चांदी के भारी मात्रा में जेवर बरामद हुए हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ में बीते कुछ दिनों में बंद घरों की रैकी कर चोरी करने वाले घरों का खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस ने इन तीनों छात्र चोरों को ठाकुरगंज इलाके के मेहंदीघाट बंधा रोड ढलान के पास से गिरफ्तार किया है। बीते दिनों थाना ठाकुरगंज इलाके के डॉक्टर सैयद गौहर अब्बास और सफदर रिजवी के घर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। इसके अलावा मड़ियाव थाने क्षेत्र के गौरीनगर के सत्येंद्र सिंह, प्रीतिनगर के मोहम्मद अरशद और ग्राम रायपुर के राम गोपाल के घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। वहीं इन सभी चोरी की घटना में पुलिस ने तीन चोर ऋषि कोरी, देव उर्फ देवेंद्र और करण को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से चोरी का 18 लाख का सोने का चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। डीसीपी ने बताया कि मुख्य आरोपी ऋषि कोरी सिलाई का काम करता था, थाना मंडियाओ का देवा उर्फ देवेंद्र दूध बेचने का काम करता है और करण मूल रूप से अतरौली हरदोई का रहने वाला है और वह किराना स्टोर में काम करता है। 22 दिसंबर की रात में थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत सैयद गौहर अब्बास के घर पे भारी जेवरातों की चोरी हुई और इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर चोरी की अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें वर्कआउट करने के लिए थाना ठाकुरगंज की टीम और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट किया और आज तीन अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक ऋषि कोरी जो कि थाना ठाकुरगंज के हुसैनाबाद मोहिनीपुरवा का रहने वाला है और इस पर कुल 31 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें दो गैंगस्टर के हैं और शेष सारे अभियोग चोरी के हैं और ये थाना ठाकुरगंज का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके साथ जो दूसरा अभियुक्त है देवा उर्फ देवेंद्र, ये गुडम्बा थाने का रहने वाला है, इस पर भी 7 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें एक अभियोग इसका मर्डर का है और मर्डर के मामले में ये जेल में था और जेल में इसकी ऋषि कोरी से दोस्ती हुई और उसके बाद जेल से छूटे हैं, छूटने के बाद इन लोगों ने गैंग बना करके फिर ये कार्रवाई जो है चोरी की करना शुरू कर दिया। एक तीसरा अभियुक्त करण है जो कि ऋषि कोरी के ही घर पर रहता था किरायेदार के रूप में और इसने भी जो इस घटना में सम्मिलित था। जो ऋषि कोरी है वो सिलाई का काम करता है और देवेंद्र दूध बेचने का काम करता है और जो करण है वो राशन पर जो है राशन की दुकान पर बैठता है। इन लोगों से जो बरामदगी हुई है वो कुल 20 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं और एक बाइक भी बरामद हुई है इनके पास से। इनके पर जो बरामद हुए हैं हमारे सामान जो है वो ठाकुरगंज के दो घटनाओं के हैं और मड़ियाव के तीन घटनाओं के हैं। इस तरह से कुल 5 घटनाओं का खुलासा हुआ है। जो ये अभियुक्त पकड़े गए हैं इनका ऑपरेशनल एरिया पूरे लखनऊ में है,